नमस्कार दोस्तों, आज जो स्मार्टफोन्स मैं आज के आपके सामने लेकर आया हूँ वो स्मार्टफोन Xiaomi Redmi का है। जी हाँ दोस्तों, Redmi के मैं काफ़ी स्मार्टफोन्स आपके लिए ले आया हूँ और आपको काफ़ी पसंद आते हैं। तो आज Redmi 10X आपके सामने ले आया हूँ, Xiaomi Redmi 10X। इसका रिव्यू करेंगे, इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस जानेंगे और डिटेल्स में आज हम आपको बात बताने वाले हैं इस स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्मार्टफोन्स लेना है तो ये वीडियो आपके बहुत यूजफुल है, और भविष्य में अगर आप स्मार्टफोन्स लेने के शौकीन हैं या किसी को भी सलाह देने के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो काफी शानदार लगेगी। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, इसमें जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वह 6.57 इंच की रहेगी, जो काफ़ी शानदार है। और इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करी जाए तो इसमें आपको जो पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो लगभग 401 PPI पर बेस्ड है, और एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो काफ़ी शानदार है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कैमरे की बात करी जाए, क्योंकि कैमरा देखकर ही आप स्मार्टफोन से लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, उस स्थिति में कैमरे की बात करते हैं तो यह स्मार्टफोन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, हमारा ओपिनियन बाद में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की। इसमें जो कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का रहेगा, जो काफ़ी शानदार है। और बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की। सेल्फी कैमरे की बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो काफी शानदार है। और बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की नेटवर्क की। इसमें जो इंटरनेट या नेटवर्क सपोर्टेबिलिटी है वो 5G इंटरनेट को सपोर्ट करता है, तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो इसमें जो बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा लगभग 4520 mAh का रहेगा, जो नॉर्मल यूज से थोड़ा बढ़िया है। और बात करते हैं इसके चार्जिंग की, तो इसमें आपको जो चार्जिंग देखने को मिलेगा वह सी पोर्ट फैसिलिटीज के साथ रहेगा, जो काफ़ी शानदार है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में सबसे पहले ले लेते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें जो रैम एंड इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा बस 6GB की रैम रहेगी, और दोस्तों 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा। लेकिन भविष्य में क्या पता 2 AA वेरिएंट्स में आ सकता है। अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो अप टू 512GB तक का इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। और बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में इसके प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसमें आपको ओक्टा कोर का 2.6 GHz का देखने को मिलेगा, जो काफ़ी शानदार है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूल कोर का 2 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफ़ी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करी जाए तो इसमें आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक का रहेगा, मीडियाटेक का MT6875 रहेगा, मीडियाटेक MT6875 देखने को मिलेगा, जो ठीक ठाक से बढ़िया है। और बात करी जाए दोस्तों इसके ग्राफिक्स की बात करी जाए तो उसमें जो ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा वो माली का रहेगा, माली G57 MC5 रहेगा, जो थोड़ा एवरेज यूज में। देखो, ग्राफिक्स तो आपको वो मिलना निश्चित है जो कि आपके प्रोसेसर के हिसाब से डिपेंड करता है, फिर भी काफ़ी शानदार है। और बात करते हैं दोस्तों अब इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करी जाए तो इसमें जो प्राइस आपको देखने को मिलेगी वे 16,990 रुपये की रहेगी, जो काफ़ी ठीक ठाक से बढ़िया है। दोस्तों, अब इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन कब तक मार्केट में आने की संभावना है, यानी कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। लॉन्चिंग डेट की बात करी जाए तो लगभग इस स्मार्टफोन की प्राइस के भी आप पर लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं, सबसे पहले तो 28 सितंबर 2020 तक लॉन्च होने की संभावना है, और प्राइस तो आप सभी को मालूम ही होगी 16,990 रुपये की प्राइस रखी गई है। इसकी प्राइस के हिसाब से कैमरा बैकअप और बाकी ठीक ठाक से ये स्मार्टफोन थोड़ा बढ़िया है, लेकिन अगर आप थोड़ा ओल्डेज फ़ोन भी लेना चाहते हैं, फिलहाल के तौर पर फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप Redmi का ले सकते हैं, Redmi Note 9 Pro Max ले सकते हैं, जो काफ़ी शानदार स्मार्टफोन से। इसके अलावा भी मैंने Redmi के 10 की भी आपको बताया है, Redmi Note 9 10 Pro, उसका भी रिव्यू कराया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए
तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।